गाइज, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई मुंबई की एक ऐसी फेमस जगह पर जहाँ पर बड़ों से लेकर छोटा हर कोई आ सकता है और इस प्लेस का नाम है सगुना बाग। ये नेरल के पास ही में है और यहाँ पर ढेर सारे एक्टिविटीज़ है लाइक फार्म टूर, फिशिंग, बुलक कट राइड एंड मैनी मोर थिंग्स। ऑल्सो यहाँ पर स्टे के भी कुछ ऑप्शंस है। तो अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस, सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर आने के कौन से डिफरेंट वेज है। फर्स्ट इज़ लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन से आपको नेरल रेलवे स्टेशन तक आना होगा, देन वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगी टिल सगुना बाग। ऑटो का कॉस्ट कुछ 150 टू 200 रुपीज़ होता है। देन सेकेंड ऑप्शन इज़ बाय गवर्नमेंट बस। गवर्नमेंट बस से भी आप करजत या फिर नेरल तक आ सकते हो। देन अगेन आपको आगे ऑटो से आना होगा। एंड लास्ट थर्ड ऑप्शन इज़ बाय योर ओन प्राइवेट व्हीकल। अब जो लोग प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं उनके लिए डायरेक्शन के लिंक मैं ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। यहाँ पर प्लेंटी ऑफ पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। मैं यहाँ आई हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। नेरल रेलवे स्टेशन से ऑटो की मैंने जिनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उन्हें कॉल करके भी यहाँ तक आ सकते हो। अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले तो आपको बुकिंग डिटेल्स बताने होंगे। यहाँ एंट्रेंस भी यहीं पर उनका ऑफिस है एंड फिर आपको जाना होगा और अंदर। यहाँ प्राइवेट व्हीकल के लिए प्लेंटी ऑफ पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। ऑल्सो प्रॉपर डायरेक्शन बोर्ड्स भी लगाया है जिसकी हेल्प से आप यहाँ तक आ सकते हो। तो गाइस, ये है यहाँ का मेन एरिया जहाँ पर सबसे पहले तो गणेश जी के दर्शन लेंगे। अब यहाँ डे पैकेज भी है और स्टे के भी मल्टीपल ऑप्शंस है। तो मैंने तो डे पैकेज लिया है जिसका टाइमिंग है 9 AM टू 6 PM। तो देखेंगे हमारे डे पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है। यहाँ पर पहुँचते हैं 9 AM को सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट मिलेगा। ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे डाइनिंग हॉल में। तो ये है यहाँ का बड़ा सा डाइनिंग हॉल जहाँ बुफे सिस्टम से ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। और ब्रेकफास्ट में यू विल गेट गर्मा गर्म पोहा, इडली विद सांबर एंड चटनी एंड टी कॉफी जो कि बहुत ही टेस्टी है। यहाँ इवन एक्स्ट्रा सांबर चटनी भी वो खुद अपने टेबल पर ला के देते हैं। आफ्टर दैट अगर आपको इसके अलावा कुछ और खाना होगा तो यहाँ पर एक स्टॉल है लाइक यहाँ पर ऑमलेट वगैरह भी मिलता है बट वो आपको एडिशनल कॉस्ट पर लेना होगा। तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट के बाद अब एक एक करके हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। एक स्मॉल ग्रुप फॉर्म किया जाता है एंड हर एक ग्रुप को एक गाइड अपॉइंट होता है जो हमें फुल डे की एक्टिविटीज़ घुमाएंगे। तो सबसे फर्स्ट अब मैं जा रही हूँ एग्रो टूर के लिए। इस एक्टिविटी में हमें फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाता है, कौन से टाइप ऑफ फार्मिंग होती है, उसके स्टेप्स एंड काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। फार्मिंग में वेदर कंडीशन, सॉइल, फर्टिलाइजर सब कुछ कितना इम्पोर्टेंट होता है ये आपको यहाँ बताया जाता है। आफ्टर दैट थोड़े आगे जाके कुछ प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन भी मिली। इस पूरे फार्म में ऐसे मल्टीपल ट्रीज एंड प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे जिसका यूज़ हम डे टू डे लाइफ में करते हैं लाइक स्पाइसेस के प्लांट्स एंड ट्रीज देखे, कुछ फ्रूट्स के भी थे। यहाँ किड्स को लेकर आना बहुत ही अच्छा रहेगा एज उनको यहाँ आके एग्रो टूर से काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। सो आफ्टर दिस एग्रो फार्मिंग टूर अब हम जा रहे हैं हनी बीज फार्मिंग देखने। सो ये है हनी बीज की फार्मिंग। इस बॉक्स में होती है और ऐसे 7 to 8 बॉक्सेस है इस पूरे प्रॉपर्टी में। यहाँ में हनी बीज के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन बताई लाइक कैसे क्वीन बी को आइडेंटिफाई किया जाता है, हनी बनने में कितना टाइम लगता है एंड सो ऑन। और तो और यहाँ आके मुझे ये भी पता चला कि हनी बी कभी हमारे ऊपर सामने से अटैक नहीं करती अनटिल एंड अनलेस हम उन पर अटैक नहीं करते। तो बहुत ही सिली चीज़ है ये तो, बट मेरे लिए बहुत ही यूजफुल है। आफ्टर दैट ये जो साइड में मशीन है उसमें हनी को निकाला जाता है तो इसकी भी प्रोसेस हमें यहाँ एक्सप्लेन की। और सर आप यहाँ इस स्टोर से इनका प्योर हनी भी बाय कर सकते हो। जहाँ और भी कुछ चीज़ें मिलती है तो वहाँ एंड में जाएंगे। अब आफ्टर दिस अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं लोटस गार्डन विजिट करने। यहाँ एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट जाने का ऐसा कच्चा रास्ता है और बहुत चलना पड़ता है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप प्रॉपर शूज़ पहन कर आएँ। सो गाइज ये है लोटस गार्डन। वाइट लोटस लगाया है एंड मस्त एक स्मॉल मंदिर भी है। नॉर्मली हमारे मंदिर के बाहर जो सेल करते हैं वो लिली फ्लावर होता है एंड लोटस की तरह ही दिखता है बट ये है रियल लोटस। अब फार्म टूर तो हो गया तो इसके बाद अब मैं जा रही हूँ एनिमल टूर के लिए जहाँ ये डक्स मुझे लेकर जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर पेटिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स है लाइक ईमू जिन्हें आप हाथ लगा सकते हो, उनके केज में आपको जाने मिलेगा, बहुत ही फ्रेंडली है। आफ्टर दैट स्नेक्स भी है जिन्हें आप हाथ में ले सकते हो। 2 टाइप ऑफ स्नेक्स है, इनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे गाइड ने यहाँ पर बताई। उसके बाद कुछ हैंस, रैबिट्स, पीजन, डक्स, गोट्स भी हमने देखे। प्रॉपर ख्याल रखा जाता है इनका यहाँ पर। ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये सभी एनिमल्स एंड बर्ड्स के बाद मैं गई मिलने यहाँ के सबसे हाईलाइटिंग बर्ड को, जो कि है ये ऑस्ट्रिच। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने ऑस्ट्रिच देखे एंड इवन उन्हें टच भी किया, तो बहुत ही एक अलग फीलिंग था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड कहलाता है ये, जो आपको यहाँ आके देखने मिलेगा। हाइट में तो ये मेरे से डबल है ही, बट बहुत ही फ्रेंडली भी है। तो अगर आपको भी ऑस्ट्रिच देखना होगा, वो भी ऐसे ओपन में, तो आप भी यहाँ एक बार ज़रूर आए। सो गाइस, पेटिंग एनिमल्स एंड फार्म टूर के बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज़ मल्लखम्ब शो। इट मीन्स रेस्लिंग ऑन अ पोल। ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जहाँ जिमनास्ट मार्शल आर्ट्स मूव परफॉर्म करके दिखाते हैं, जिसमें स्मॉल किड से लेकर बड़े ऐसे सभी लोग हैं। यहाँ के लोकल्स ने ये परफॉर्म किया शो, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था। यहाँ पे असम के अलग अलग प्रकार दिखाने वाला है। और पहला प्रकार हमारे सामने हो चुका है, रोप। So after watching this show, next activity के लिए चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम यहाँ के फिश देखने वाले हैं, दैट इज फिश ब्रीडिंग देखने वाले हैं। इस प्रॉपर्टी में ऐसे मल्टीपल आर्टिफिशियल पॉन्ड्स आपको देखने मिलेंगे, जिसमें 6 to 7 फीट डीप वाटर स्टोर किया जाता है और इसमें बहुत सारे फिश की ब्रीडिंग भी होती है। अब यहाँ के जो कुछ गाइड्स हैं, वो मिलकर हमें यहाँ के अलग अलग फिशेस दिखाते हैं और उनके नाम वगैरह बताते हैं। 8 kg से लेकर स्मॉल फिश, ऐसे मल्टीपल फिशेस देखे और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। तो गाइज, अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं फॉर स्विमिंग एंड बफेलो राइड, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स लाना होगा। यहाँ पर उल्हास रिवर फ्लो होती है, जहाँ जाने के लिए एक स्मॉल 5 मिनट का जंगल ट्रेल करके जाना होता है, तो ये भी आपको एक यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो गाइज, ये है उल्हास रिवर। यहाँ पर आप मस्त स्विमिंग वगैरह कर सकते हो। ऑल्सो फ्री फिश पेडिक्योर भी मिलता है। अब इस रिवर में एक्टिविटीज़ भी होती है, लाइक कायाकिंग, जो कि पेड एक्टिविटी है। 150 रुपीज़ चार्जेस लेते हैं। तो अगर आपको रिवर में कायाकिंग करना होगा, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। एंड फ्री एक्टिविटी में देयर इज़ अ बफेलो राइड, जो छोटे बच्चों के साथ ही साथ बड़े भी कर सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा क्लोथ्स नहीं लाया है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करूँगी एंड फिर मैं जाने वाली हूँ डाइनिंग एरिया में लंच करने के लिए। अराउंड 1:30 से लंच स्टार्ट होता है। लंच भी बुफे सिस्टम से ही अवेलेबल है, जिसमें सिर्फ वेज है। 2 सब्जी, सैलेड, चपाती, दाल, राइस, स्वीट, बॉइल्ड कॉर्न एंड इनका खुद का पिकल विथ छाछ, जो कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ नॉनवेज का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, बट वो आपको अलग से एडिशनल कॉस्ट पर लेना होगा और पहले बुकिंग करते टाइम ही बताना होगा। तो मस्त यहाँ भरपेट खाना खाने के बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक टाइमिंग होता है रेस्ट के लिए, या फिर आप इस टाइम में पेड एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। तो चलो चलते हैं देखने की कौन से पेड एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो ये है कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक जिप लाइन, साइकिलिंग, सेगवे। आफ्टर दैट देयर इज़ अ हॉर्स कार्ट एंड हॉर्स राइड एंड कैमल राइड एज वेल। कैमल तो कहीं दिखा नहीं, बट एक्टिविटीज़ में लिखा है, तो यहाँ पर वो एक्टिविटी भी होती होगी। उसके बाद ये है डर्ट गो कार्ट राइड, जो कि कुछ 300 रुपीज़ पर पर्सन कॉस्ट है इसका, और ये भी एक मस्त एक्टिविटी है अगर आपको एडवेंचरस चीज़ें पसंद है। आफ्टर दैट देयर इज़ एन आर्चरी एंड राइफल शूटिंग एज वेल, और उसी के साथ स्मॉल एक्टिविटीज़ भी होती है लाइक पॉटरी वगैरह। यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स भी रखे हैं फॉर सेलिंग, जो कि हैंडमेड है। कुछ प्लांट्स एंड फूड आइटम्स भी है, जो कि फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक है, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। बट बिफोर दैट डे पैकेज में और एक्टिविटीज़ हमारी बाकी है, जो 4 बजे से स्टार्ट होती है, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज़ बोटिंग। यहाँ इस आर्टिफिशियल पॉन्ड में बोटिंग के लिए लेके जाते हैं, जहाँ हमें प्रॉपर लाइफ जैकेट पहनकर जाने मिलता है। इवनिंग में बोटिंग करने का एक अलग ही मज़ा होता है, तो मैंने तो मस्त यहाँ एंजॉय किया। एंड फिर मैं गई रॉड फिशिंग करने दूसरे पॉन्ड के पास। यहाँ पर मल्टीपल रॉड्स है फॉर फिशिंग, तो एक टाइम पे मेरा पूरा ग्रुप फिशिंग करने यहाँ बैठ गया और किसी ना किसी को फिश भी मिला, तो बड़ा मज़ा किया हमने। अननोन ग्रुप में फुल डे स्पेंड करके एंड ऑफ द डे हम सभी एक दूसरे से बातें भी करने लगे और फुल डे हमारे गाइड के साथ हमने बहुत एंजॉय किया। तो ये सब के साथ अब लास्ट एक्टिविटी जो बचती है वो है बुलक का राइड, जो करके यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करके इवनिंग में यू कैन एंड योर ट्रिप विद दिस हॉट टी एंड कॉफ़ी। ऑल्सो बाजू में एक आंटी ने वड़ा पाव का स्टॉल भी लगाया था, तो वो भी आप खा सकते हो एंड देन गो बैक टू योर होम विद सम अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। तो ये तो हुआ डे पैकेज। अगर आप इसका कॉस्ट एंड अकोमोडेशन के मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो वो डेफिनेटली चेक करना, उस पर आपको कॉस्टिंग, बुकिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, सारे डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगे। तो गाइज़ ये था सगुना बाग एंड इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मेरा तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा। मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि आप भी अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करें। एंड आप अगर यहाँ पर आते हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसी के साथ आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो वो आ जाएगा। By that time, keep traveling with Tejaswi.